तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीडर और फुटर के बारे में। इसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख लीजिए, ये ऊपर में देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हेडर और इसको बोलते हैं, नीचे देख लीजिए, इसको बोलते हैं फुटर। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया, ये देख लीजिए पूरा पेज में लगा हुआ है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि उसी मैटर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, मैं हर हफ्ते मैं कम से कम एक टाइपिंग टेस्ट अभी आयोजित कर रहा हूँ, कंडक्ट कर रहा हूँ, और हर में 40 से 50 लोग जो है शामिल होते हैं, लेकिन मुश्किल से एक या दो लोग ही जो है उसको क्रॉस कर पाते हैं। अब इसका कारण क्या है? पिछला मैंने दे दिया था टाइपिंग टेस्ट में हीडर करके, हेडर फुटर सेट करने के लिए, और उसमें ये दे दिया था कि ऊपर से हेडर कितना करना है, नीचे से हेडर कितना करना है, फॉन्ट क्या देना है। यकीन मानिए, उसमें से 25 से 30 लोग तो हेडर को छुए नहीं, और एक दो लोग किए तो वो लोग उसको सेट नहीं कर पाए। अब जब भी एग्जाम खत्म हुआ, ये मैं बता दूं आपको कि टाइपिंग टेस्ट जो आयोजित होता है वो हमारे जो चैनल मेंबरशिप है उनके लिए है। आप भी हमारे चैनल में मेंबरशिप में आ सकते हैं, 89 उसका चार्ज है। और जो मेंबरशिप में नहीं है उनके लिए न्यूनतम शुल्क के साथ ये टाइपिंग टेस्ट जो है आयोजित होती है, और नेक्स्ट टाइपिंग टेस्ट है आज रात 8:30 बजे। अब बात आगे बढ़ते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट होने के बाद, कंडक्ट होने के बाद, सब लोग बोल रहे थे, सर ये तो टाइपिंग टेस्ट है, आपने इसमें हेडर फुटर कैसे दे दिया, ऐसे दे दिया, वैसे दे दिया। तो देखिए, इसीलिए अधिकांश लोग टाइपिंग परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं। कारण इसका समझिए, देखिए आप टाइपिंग टेस्ट नहीं दिला रहे हैं, आप कंप्यूटर कौशल परीक्षा दिला रहे हैं। और कंप्यूटर कौशल परीक्षा दिलाने का कारण क्या है कि आपने ऑलरेडी ऐसे जॉब में विज्ञापन में फॉर्म भरा है जिसमें PGDCA या DCA जो है वो मांगा गया है। अब आप बताइए, PGDCA या DCA करने वाले केवल टाइपिंग करते हैं क्या? नहीं, उनको MS ऑफिस का कंप्लीट जो है नॉलेजमेंट, कंप्लीट नहीं तो बहुत सारा नॉलेजमेंट तो उनको होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए कई जगह टाइपिंग टेस्ट होता है तो सहायक ग्रेड 3 में किसी जगह हिंदी दे रहे हैं, किसी अंग्रेजी दे रहे हैं, किसी जगह टेबल बनाने के लिए दे रहे हैं, है ना। अब जैसे अभी रायगढ़ में हुआ तो वहाँ टेबल बनाने के लिए दे दिया गया, ठीक है ना। अब लोग क्या कर रहे हैं, टेबल ए टेबल में पूरा करते जा रहे हैं, टेबल सीखते जा रहे हैं, टेबल सीखते जा रहे हैं। अरे भाई, अगली बार टेबल नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग भी जानकार हैं, अगली बार जो परीक्षा होगा उसमें कुछ दूसरा देगा। तो कोशिश कीजिए कि हर बार कुछ नया सीखने की, ठीक है ना। MS ऑफिस में सीखने के लिए पूरा संसार है, हेडर फुटर है, मेल मर्ज है, हाइपर लिंक है, हीडर फुटर है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट है, और इंसर्ट में बहुत सारा आता है, डिजाइन में आता है, मेलिंग है, मतलब संसार। और याद रखे ना, इसमें से कुछ भी दे सकता है, क्योंकि आप टाइपिंग टेस्ट नहीं दिला रहे हो, ये चीज को याद रखे ना। टाइपिंग टेस्ट कौन दिलाते हैं? स्टेनो लोग दिलाते हैं, ठीक है, या जो स्टेनो टाइपिस्ट लोग होते हैं ना, वो लोग टाइपिंग टेस्ट दिलाते हैं। आप टाइपिंग टेस्ट नहीं दिला रहे हो, आप कंप्यूटर कौशल परीक्षा दिला रहे हो। इसलिए अगर किसी सहायक व्यक्ति की परीक्षा में बोल दिया जाए कि पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनाओ करके, तो भी आप जो है अचम्मा मत होना। कहने का तात्पर्य, ये सब चीज कंप्यूटर कौशल के अंतर्गत ही है, ठीक है ना। आप सहायक व्यक्ति में केवल टाइपिंग टेस्ट नहीं दिलाते हो, चलिए ठीक है। अब बात आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हमारे हीडर फुटर मेन टॉपिक पर। वैसे मैं बता दूं, मैं अभी जो टाइपिंग टेस्ट लूँ, हर बार कुछ नया मैं देने की कोशिश करता हूं जिससे आप लोग सीखें। और ये पिछला उसी का है खाना चाहिए, हीडर फुटर बहुत सारे लोगों ने गलत किया, इसलिए ये वीडियो आ रही है। तो देखिए, हीडर फुटर क्या है? तो अभी देखिए, मेरे हाथ में एक बुक है, शिव खेड़ा का जीत आपकी है, और पुस्तक पढ़ने का मैं शौकीन भी हूँ, बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ। इसमें चलिए देख लीजिए, यहाँ पर निकाल लेते हैं एक, देख लीजिए यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ऊपर में, ये देख लीजिए ऊपर में लाइन लिखा है और ऊपर में कुछ लिखा है। अब आप देखेंगे कि अगला पेज में भी वही लिखा हुआ है, अगला पेज में भी वही लिखा हुआ है। इसके साथ जो एक क्रमांक है वो बढ़ता जा रहा है, 3 के बाद 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो वास्तव में दोस्तों यही हीडर है, और नीचे में जो लिखा रहता है, आप कई सारे पुस्तकों में देखे होंगे, नीचे में 1 2 6 पृष्ठ क्रमांक लिखा रहता है, या फिर वो जो पाठ है उसका नाम लिखा रहता है, वो जो बुक है उसका नाम लिखा रहता है, तो उसको बोलते हैं फुटर। हेडर मतलब सिर की तरफ, फुटर मतलब पैर की तरफ। अब चलिए, इसका इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखो, आपको पूरे पेज पर, जैसे ऊपर में लिखना है किसी बुक का नाम है, जैसे जीत आपकी, तो पूरे हर पेज में आपको जीत आपकी लिखना है। तो इसको हर बार टाइप ना करके एक बार आप हेडर में लिख दीजिए जीत आपकी करके, वो पूरा का पूरा बुक में लिखा जाएगा। उसके साथ ही जैसे कि देख लीजिए, यहाँ फुटर में जैसे आप 1 डाल दीजिए क्रमांक को, क्लियर,
आप जितना पेज टाइप करते जाओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो क्रम बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हेडर और फुटर का महत्व है। अब चलिए हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हेडर फुटर कैसे सेट करते हैं। यहाँ आ जाइए और आप लोग देख लीजिए, मैंने एक नॉर्मल से कहना चाहिए ये एनसीईआरटी का बुक का जो मैटर है उसको कॉपी कर लिया है और इस प्रकार से पेस्ट कर दिया कई बार। तो देखिए मैंने हेडर सेट किया है 5 अगस्त 2023 हेडर एंड फुटर। अब आप लोग देखिए हर पेज में वो चीज प्रिंट हो गया है। देख लीजिए अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो हर पेज में ये प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। अब अगला देख लीजिए, मैंने फुटर में क्या यहाँ पर एक बस लिखा है, क्लियर, एक बस लिखा है। देख लीजिए कि देखिए 1, 2, 3 ऑटोमेटिक ये क्रम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, देख लीजिए, ठीक। तो ये हेडर और फुटर है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, चलिए इसको हम सेट कैसे करते हैं इसको देखते हैं। चलिए यहाँ से मैं एक मैटर कॉपी कर लेता हूँ, ये ले लीजिए कंट्रोल सी, और यहाँ से मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ ये और क्रिएट ये। अब इसमें हम हेडर और फुटर सेट करेंगे। देख लीजिए यहाँ से आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, अर्थात ये क्या है, मार्जिन है। हेडर और फुटर मार्जिन के ऊपर या मार्जिन के नीचे होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम हेडर में आते हैं, इंसर्ट में जाइए और हेडर में आइए। अब देखिए हेडर में इसमें बहुत सारा ऑप्शन है और आप लोग इसी में सब कंफ्यूज होते हैं, सर ये करने को दीजिएगा, नहीं। जनरली हेडर में अगर ये दे दिया जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा, लेकिन जनरली ये नहीं दिया जाता। ये क्या है इसको समझिए, जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हेडर बन गया, नया नया कहना चाहिए ये खोज है, खोज नहीं कहना चाहिए, नया नया सुविधा है जो सॉफ्टवेयर दे रही है, लेकिन जनरली जो है परीक्षा में क्या होता है उसको समझिए। हीडर फिर से आ जाइए, इंसर्ट में हीडर में आइए और यहाँ पर इसको रिमूव हीडर कीजिए और हीडर रिमूव हो गया है। अब चलिए हीडर में आते हैं और यहाँ पर देख लीजिए एडिट हीडर, यही आता है ये, देख लीजिए एडिट हीडर। अब यहाँ पर से आप सेट कर सकते हैं हीडर फ्रॉम टॉप, ऊपर से कितना होगा नीचे से कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पर इंसर्ट अलाइनमेंट है, हीडर कहाँ होगा, बीच में होगा कि किनारे में होगा कि सेंटर में होगा, इस तरह से आप भी जो है लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसको कर देते हैं सेंटर, क्लियर। अब चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ बुक का नाम है जीत आपकी, ये ठीक है। इस प्रकार से आपके परीक्षण भी अगर आएगा तो ऐसे ही रहेगा कि ऊपर से 1.25 जैसे 1.00 कर दे इसको, 1.00 ये देख लीजिए ऊपर चढ़ गया ना। फॉन्ट साइज भी इसमें दिया रहेगा, जनरली इसका फॉन्ट जनरली 10 के आसपास रहता है, तो यहाँ पर 12 है तो कोई इशू नहीं, ठीक है ये हो गया। अब देखिए इस प्रकार से आप सेट कर दीजिए। अब चलिए मैं इसको ऐसे करके बार बार इसको कॉपी करके पेस्ट कर जाता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, इस प्रकार से देखते जाइए हमारे पास कितना पेज हो गया, 4 पेज। देखो ये चौथा पेज में भी लगा हुआ है जीत आपकी, और जब ये प्रिंट होगा तो हर पेज में प्रिंट होगा। तो इस तरीका से दोस्तों आपको हीडर सेट करना है। ये डायरेक्ट जो दिया गया है ना इंसर्ट हीडर, इस सब को नहीं पूछा जाता जनरली, अगर पूछा गया है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जनरली नहीं पूछा जाता ना, इस प्रकार से हेडर सेट करने के लिए नहीं बोला जाता। अब आ जाते हैं दोस्तों फुटर की तरफ। तो फुटर कहाँ पर है, नीचे में। फुटर कैसे सेट करते हैं, सिंपल सी बात है, आप सीधा इंसर्ट में चले जाइए और यहाँ पर फुटर में जाइए। फिर से मैं आपको कहूँगा कि आप ये सब में मत रहिए, एडिट फुटर में आइए और यहाँ पर देखिए सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, हीडर फ्रॉम टॉप 1 सेंटीमीटर, हीडर फ्रॉम बॉटम 1.25 सेंटीमीटर, और इंसर्ट अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट कर दीजिए, इसको सेंटर कर दीजिए, या आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे कि ले लीजिए हम इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें कुछ भी अगर लिखेंगे ये, तो ये इसके पूरे कहना चाहिए पेज में आएगा, देख सकते हैं हर पेज में वो चीज़ लिखाएगा, चाहे आप यहाँ पर जो भी लिखें, जैसे राम कुमार लिखें, देख लीजिए सभी पेज में एक साथ लिखाते जा रहा है, देख लीजिए इस तरीके से। जनरली नीचे में जो है ना पेज नंबर होता है, 2 पेज करेंगे तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन है, यदि आप जो है इसमें इंसर्ट में जाइए और फुटर में इसको सेलेक्ट कीजिए 1 को, तो देख लीजिए ऑलरेडी ये पूरा बढ़ते जा रहा है, 1, 3 यहाँ से देख लीजिए 1, 2, 3, 4 बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ये हीडर और फुटर का महत्व है। इसमें बहुत सारे हीडर फुटर पहले से कहना चाहिए, इसको टेम्पलेट बोल सकते हैं हम, देख लीजिए ये बने हुए हैं, टेम्पलेट बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन टेम्पलेट आपको नहीं बोला जाता बनाने के लिए, अगर बोला भी गया है कहना चाहिए तो आपको उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन जनरली फुटर हीडर सेट करना पड़ता है, ऊपर नीचे कितना कहना चाहिए डिफरेंस है या सेंटीमीटर में कितना है उसको सेट करके।
तो दोस्तों ये रहा हेडर और फुटर कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी प्रकार से और कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।